वेलकम टू माय चैनल। सो आपके एफसीआई के सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनिमल रीयरिंग से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रीयरिंग। तो हम सारी चीज़ें देख लेंगे आज के वीडियो में। मे बी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी जो टॉपिक है उनको एक एक वीडियो में कवर कर दूँ, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करूँ। तो इसलिए मतलब ज़्यादा वीडियो के पार्ट्स ना डिवाइड करूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द एनिमल रीयरिंग, ठीक है, एनिमल जो इकोनॉमिक्स को जाने से पहले एनिमल रीयरिंग क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आपको पता है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो आपका एनिमल रीयरिंग आता है, जो आप पशुओं को पालन करते हैं, रीयरिंग यानी होता है पशुओं को रखना, ठीक है, पालन करना उनका, और उसमें सारी चीज़ें आएंगी आपके, उनके फॉर्डर से लेकर उनका वैक्सीन और एवरीथिंग। तो ठीक है, तो एज़ पर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये किसके अंडर में आता है ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। सो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल रीयरिंग जो है इसको एज एन हम एसोसिएट बिजनेस मान सकते हैं, किसके साथ, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ अगर हम पशुपालन भी करते हैं तो दिस इज़ द एसोसिएट एक्टिविटीज़, और या एसोसिएट बिजनेस बोल सकते हैं। हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे हम जो हैं हमारे जो लाइक रेसिड्यूज़ हैं क्रॉप के, जो हमारे लिए हम इसको खा नहीं सकते, हम एज अ फॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, या जो भी शेष मटेरियल रहता है क्रॉप का, जैसे कि जो आपके खली बस्ती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नीम की खली, अलसी की खली, ये सारे जो भी मतलब बस्ते हैं वो हम एज अ आपके मीन्स फॉर्डर के रूप में पशुपालन में यूज़ कर सकते हैं। और पशुपालन का जो वेस्ट आता है, यानी जो लाइक अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं पशुओं के, जैसे कि डंक रहता है, गोबर जो रहता है, तो FYM बनता है, फार्मयार्ड मैन्योर, ठीक है, और जो भी उनकी लाइक गौमूत्र का यूज़ कर सकते हैं, मतलब काउ यूरिन जो रहता है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर में फॉर इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी और आवर सॉइल फर्टिलिटी। तो ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक। तो ये इतने समझाने की मतलब नहीं है कि किस तरह से एसोसिएट बिजनेस है एग्रीकल्चर से। तो देट आर द कंसर्न विद एनिमल दैट आर राइज फॉर मीट, फाइबर, मिल्क, एग और अदर प्रोडक्ट्स। तो मिल्क, मीट और ये सारे आपके मिल्क के लिए आप जैसे बफेलो और गोट और आप काउ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड आप मीट के लिए समटाइम आप लोग, कई लोग पिग रखते हैं और अलग अलग चीज़ें रखते हैं, और इसके अलावा एग्स के लिए हम मुर्गी और डक, ठीक है, ये सारे चीज़। तो ये हैं एंड एनिमल रीयरिंग, जो अगर हम और भी अदर वे में भी जानना चाहेंगे तो ये एक जो भी आपका इंडियन एग्रीकल्चर है उसका एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, यानी इंटीग्रल इंटीग्रल भाग बोल सकते हैं या इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं, जो कि जो लाइवलीहुड है, जो कि रूरल एरिया में रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का जो भी पॉपुलेशन है उसका 70% से भी ज़्यादा जो है अभी भी गाँव में निवास करता है, बहुत ही कम जनता है शहर में निवास करती है, जो एज अ परसेंटेज वाइज जो मैं बोल रही हूँ। तो रूरल पीपल जो हैं वो मोस्टली जो है अपने जो भी उनका जीवनचर्या है या जो उनकी जीवन शैली है मोस्टली वो डिपेंड करते हैं मतलब आपके जो एनिमल हस्बेंड्री है यानी एनिमल रीयरिंग के ऊपर, क्योंकि उनका मतलब एग्रीकल्चर के अलावा सपोर्टिंग बिजनेस जो होता है वो एनिमल हस्बेंड्री होता है। तो उनका जो लाइवलीहुड है वो मोर देन 55% सपोर्ट जो है इससे उनको मिलता है एनिमल से, ठीक। तो ये हो गया बेसिकली यहाँ पर पॉइंट। नाउ वी सी द ऑब्जेक्टिव, को क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर, तो मतलब क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव है। सो जो भी ऑब्जेक्टिव है एनिमल रीयरिंग का, ये ऑब्जेक्टिव ये है कि लाइक मेक द लाइफ स्टॉक फिशरीज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस, मैनी ऑफ विच हैव इकोनॉमिक वैल्यू। यानी जो भी ऐसे लाइक आपको पता है एनिमल रीयरिंग भी डिफरेंट डिफरेंट उनको डिवाइड किया गया है, लाइक फिश का अगर हम रीयरिंग कर रहे दैट इज़ फिशरी के अंदर आएगा, और आप अगर लाइक बड़े जो जानवर हैं जैसे कि बुफेलो, गोट, सीप, काउ, इनका कर रहे हैं तो उनको अलग, हैंस को अलग में रखा गया, तो सबको अलग अलग उस पर रखा गया है, ठीक है। पोल्ट्री होता है, फिशरीज होता है, सारी चीज़ें अलग होती, पिगरी, तो ये अलग अलग फार्म होते हैं, है ना।
तो इसी के अकॉर्डिंग जो इनके इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग मतलब चीज़ों को डिवाइड किया गया है, और इसलिए ऑब्जेक्टिव ये है एनिमल को रखने का कि वो ह्यूमंस के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमको, ठीक है। सो जो ये आपका इकोनॉमिक मतलब है एनिमल रेयरिंग का, दे हैव अ वास्ट पोटेंशियल फॉर द प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू द रूरल एरियाज। जो हमने शुरू में पढ़ा वही है कि वहाँ मतलब एनिमल रेयरिंग करने से रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, तो बहुत सारे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और साथ ही रूरल एरिया का जो इकोनॉमिक्स है वो इंक्रीज़ होगा अगर अधिक मात्रा में एनिमल रेयरिंग होगी। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। नाउ वी सी द पोटेंशियल ऑफ एनिमल रेयरिंग इकोनॉमी इन इंडिया, जो मेन हमारा टॉपिक है, ठीक। तो हम देख लेते हैं इस पॉइंट को भी, ठीक है। सो इंडिया जो है, मैं कुछ कुछ पॉइंट बताते जाऊंगी, नोट करते जाइएगा जो इस वीडियो में नहीं मतलब इस पीडीएफ में नहीं होंगे। तो इंडिया जो है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिश एंड ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन एंड कंट्रीब्यूट अराउंड 1% ऑफ GDP 2017-18, ठीक है। रिसेंट का मैं कमेंट सेक्शन में देती हूँ आपको फिर डाटा। तो इंडिया जो है, याद रखना है आपको, फिश प्रोडक्शन में भी सेकेंड पोजीशन पे है, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड आपका जो एक्वाकल्चर है, ठीक है, जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वाटर से, वाटर में जो भी हम लोग जीव जंतु जो रीडिंग करते हैं उससे रिलेटेड जो आपका एक्वाकल्चर है उसमें भी सेकेंड लार्जेस्ट उनका नेशन में स्थान है, ठीक। तो और अगर GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो अबाउट 1% 2017-18 में कंट्रीब्यूट किया था फिशरी सेक्टर ने। नाउ इंडिया इज़ द हाईएस्ट लाइफ स्टॉक ओनर विद द पॉपुलेशन ऑफ द 535.78 million एज पर द 20 जो भी लाइफ स्टॉक सेंसस था 2019 के अकॉर्डिंग। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इसका हाईएस्ट क्या था, वो लाइफ स्टॉक ओनर था, और पॉपुलेशन अगर बताई जाए तो 535.78 million था, जो कि एस्टिमेट किया गया था जो आपका 20 लाइफ स्टॉक सेंसस। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और पता चल रहा है कि जो आपका 2019 में हुआ था जो भी लाइफ स्टॉक का सेंसस, वो कौन सा नंबर का था, दैट इज़ द आपका 20वां था, ठीक है। और हाईएस्ट यानी पहला रैंक समझ के रखिए। द सेकेंड थर्ड पॉइंट, द सेकेंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट इन द वर्ल्ड, द सेक्टर इज वैल्यूड एट आपका एट INR 1 lakh crore, ठीक। तो ये यहाँ पर है कि जो आपका सेकेंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट है यहाँ पर वर्ल्ड का इंडिया में, तो इंडिया का पोजीशन सेकेंड है वर्ल्ड के पोल्ट्री मार्केट के वे में, और इसकी वैल्यू जो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। फोर्थ, सेकेंड इन द पॉपुलेशन ऑफ गोट्स विद पॉपुलेशन अबाउट 148.8 million गोट्स, ये भी आपका 20th लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 के अकॉर्डिंग। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें फर्स्ट आप लिस्ट बना लीजिए, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा। तो फर्स्ट में जो है उनके नाम लिख लीजिएगा, जैसे हाईएस्ट जो है ओनर है आपका लाइफ स्टॉक का, सेकेंड किस में है आपका फिश प्रोडक्शन एक्वाकल्चर में, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट, सेकेंड इन द पॉपुलेशन ऑफ गोड्स, तो ये ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। पॉपुलेशन भी याद कर लीजिएगा। थर्ड हाईएस्ट इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिप एंड द फिफ्थ इन द चिकन एंड डक पॉपुलेशन। तो जो मुर्गी और डक सेम मतलब रिलेटेबल हैं, तो याद रहेगा कि उनमें पांचवा पोजीशन है और तीसरा स्थान सिप में है। तो गोट में दूसरा है और सिप में तीसरा स्थान है, ऐसा थोड़ा याद रखिएगा, तो ये आपको याद होएगा, नहीं तो फिर ऐसे में डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ याद रखना, है ना। और मैं बता देती हूँ कुछ पॉइंट्स, नोट डाउन कर लीजिए आप ये पॉइंट्स को। सॉरी, इंडिया इज़ द फर्स्ट इन द टोटल बुफेलो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट बता रही हूँ मैं आपको, फिर मैं ऐसे आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बता दूंगी। पहला आपका स्थान जो है इंडिया का भैंस के प्रोडक्शन यानी बुफेलो प्रोडक्शन, सेकेंड गोट का जो मैंने बताया है, थर्ड शिप का, फोर्थ है चिकन का, फोर्थ और फिफ्थ ऐसा मान के चल सकते हैं आप, फिफ्थ भी बहुत लोग लेते हैं बट फोर्थ है बेसिकली। फिफ्थ जो है वो टोटल पोल्ट्री प्रोडक्शन का है, ठीक है, बट
पर्टिकुलर चिकन की अगर बात की जाए तो फिर फोर्थ है, पूरा जो पोल्ट्री होता है उसके अकॉर्डिंग फिफ्थ पोजीशन है, एंड डक पॉपुलेशन इज आल्सो फिफ्थ पोजीशन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल रेयरिंग टू द इंडियन इकोनॉमी, क्या कंट्रीब्यूशन है ठीक है वो भी देख लेंगे। पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नाम से ही क्लियर है, इससे पहले मैंने बताया इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अराउंड 8.8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ठीक है। तो इतने परसेंट इंडियन के जो रूरल एरियाज में पॉपुलेशन रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सेकेंड वन इज द सेकेंड पॉइंट मैं एक और एक्स्ट्रा बता देती हूँ, इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ साथ ही फूड सिक्योरिटी भी मिलता है। अब कैसे आप बोलेंगे फूड सिक्योरिटी कैसे मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी इस तरह से मिल रहा है क्योंकि इससे क्या होता है, फूड सिक्योरिटी एंड जो भी डाइवर्सिफिकेशन है फूड सोर्सेज का, सच एज द मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा, क्योंकि अगर हम एनिमल रेयरिंग करेंगे तो हमारी एक फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, हमारे पास मिल्क रहेगा, फूड अवेलेबल रहेगा, मीट अवेलेबल रहेगा। सो लाइक एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको, ऑपरेशन फ्लड हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन द मिल्क सेक्टर। तो जो ऑपरेशन फ्लड था ये रिलेटेड था मिल्क से, याद रखिएगा पॉइंट ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इसका मींस ये जो भी लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो जो है इंडियन जीडीपी में लाइक 4.11% जो है कंट्रीब्यूट करता है, एंड आल्सो कंट्रीब्यूट 25.6 टू एग्रीकल्चरल जीडीपी ठीक है। एग्रीकल्चर जीडीपी जो है वो अलग है, इंडियन जीडीपी अलग है। इंडियन जीडीपी का याद रखना और एग्रीकल्चर जीडीपी का भी याद रखना है आपको। तो ये यहाँ पर पॉइंट है। नाउ थर्ड वन इज द टुवर्ड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इन मिक्स फार्मिंग, लाइक यू कैन नो मिक्स फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, बाय द मिक्स फार्मिंग इंटीग्रेटिंग द एनिमल रेयरिंग विद ट्रेडिशनल फार्मिंग they help to increase the productivity in a more sustainable and profitable manner. So this is the, now next one is the biogas production. So you know the dung and animal waste is an excellent substitute for the fossils and fuels and fuel wood, which help to reduce the dependence on the crude oil and reduce the fiscal deficit of the India. Like example one is the in India alone 300 million tons of dung are used for the fuel every year. तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द एन इम्पोर्ट सोर्स ऑफ द फॉरेन अर्निंग। ऑब्वियस ही बात है अगर हम मिल्क दूसरे कंट्रीज में भेजेंगे तो हमको अर्निंग तो होगी ना, दैट इज़ अ फॉरेन अर्निंग। सो इन 2018 इंडिया जो है इसका सेकेंड था इन बीफ एक्सपोर्ट में ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ वूल देन लेदर ये सब के अलावा विच हैव हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये इंडिया से बाहर के स्टेट कंट्रीज़ में जाता है, तो इससे हमको फॉरेन अर्निंग होती है। तो ये कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एनिमल रेयरिंग का। तो इसके अलावा लाइक बेनिफिट्स भी होते हैं फार्मर्स को कुछ, तो वो बेनिफिट्स मैं बता देती हूँ आपको। बेनिफिट क्या होता है यहाँ पर, पहला है आपका अल्टरनेटिव इनकम टू द फार्मर। फार्मर का मेन इनकम तो उनका कृषि से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, बट दिस इज़ द अगर किसी साल क्रॉप फेल हो गया या बारिश नहीं हुई, दिस इज़ द अल्टरनेट बिजनेस या अल्टरनेट इनकम सोर्स ठीक है फार्मर्स के लिए। सो लाइक एनिमल जो है दे सर्व एज अ मूविंग बैंक एंड एसेट्स विच लाइक हैव प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द फार्मर एंड देन हेल्प देम टू अर्न क्विक मनी ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। सो द लाइफ स्टॉक दे लाइव लाइक काउ शीप हेल्प्स फार्मर्स टू गेट सब्सिडी इनकम बाय सेलिंग द मिल्क एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। सो दिस इज दिस वन इज दैट। नाउ फूड एंड आपका नेक्स्ट है वो सेकेंड पॉइंट पे जो आया ना, वो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी लाइफ स्टॉक जो है लाइव जैसे कि काउ शिप ये सब फार्मर्स को जो भी आपका इनकम है इस सब में क्या सब्सिडी मिलता है सरकार की ओर से, तो ये हेल्प करते हैं अगर हम मिल्क बेचेंगे या अदर एनिमल प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो, क्योंकि सब्सिडी में है तो एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा फार्मर्स को ठीक है। वही पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। नाउ थर्ड इज़ द फूड एंड न्यूट्रिशन। जो बोवाइन एनिमल्स रहते हैं, बोवाइन क्या होता है, जो भी मिल्क प्रोडक्शन करने वाले जो एनिमल्स रहते हैं ना उनको बोवाइन बोलते हैं बेसिकली। और पोल्ट्री में तो आपको पता है हेंस और ये सब जो होते हैं वो चिकन ये आते हैं। सो बोवाइन एनिमल्स एंड पोल्ट्री इंश्योर अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ मिल्क एंड एग्स
बोवाइन एनिमल्स मैंने बताया आपको, जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं वो, एंड जो पोल्ट्री हैं उनसे हमको एग्स मिलता है। सो ये जो है ये हेल्प करते हैं लाइक न्यूट्रिशन टू फार्मर एंड देयर फैमिली। इससे फार्मर अगर दूध पिएगा, एग्स मिलते रहेंगे, तो उनको न्यूट्रिशन जो भी उनके फुल रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ द सोशल सिक्योरिटी। सो हाउ इज़ द सोशल सिक्योरिटी? सो एनिमल्स ऑफर अ सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, स्पेशली लैंडलेस फार्मर्स हु ओन मोर लाइफ स्टॉक आर बेटर प्लेस देन द अदर्स। नाउ ड्राफ्ट पावर ऑफ एनिमल्स, जैसे कि आपको पता है ब्लॉक्स आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इन अ पास्ट जो भी हिस्ट्री। सो डिस्पाइट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडियन फार्मर्स आर स्टिल डिपेंड्स और स्टिल डिपेंड ऑन द ब्लॉक्स फॉर द वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट वन इज द लाइक एनिमल वेस्ट, सच इज द काउ डंग और काउ यूरिन, दे कैन बी यूटिलाइज्ड और यूज एज अ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द मार्केट बेस्ड और केमिकल फर्टिलाइजर। इट ऑल्सो हेल्प फार्मर टू मूव टुवर्ड द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि इसमें कोई पैसे हमको नहीं लग रहे हैं, दिस इज द फ्री, ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ रेजिलेंस टू द क्लाइमेट चेंज, सो लाइफ स्टॉक जो है इज अ लेस प्रोन टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी इससे कोई ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है कि नहीं, एंड क्लाइमेट चेंजेस भी नहीं होते, तो इट कैन बी अ कंसाइडरेड मोर रिलेबल देन द रेन फेड एग्रीकल्चर। तो ये यहाँ पर है, यानी कि अफेक्ट नहीं होता ग्लोबल वार्मिंग से, इतना अफेक्ट नहीं होगा, या बारिश नहीं होगी तो क्या हमारी डेथ हो जाएगी क्या उनके एनिमल्स की? नहीं, ऐसा नहीं है, क्रॉप तो फेल हो जाते हैं ना, लेकिन तो ये यहाँ पर है, तो इट इज़ मोर रिलेबल, विश्वास पात्र, मतलब विश्वसनीय है देन द रन फेड एग्रीकल्चर। नाउ एनिमल रीडिंग एंड सम इंक्लूसिव ग्रोथ, नेक्स्ट पॉइंट है। सो बेसिकली दे प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियंस ऑफ पीपल स्पेशली इन द रूरल एरियाज, एंड दे कैन ऑल्सो कंटेन द लाइक फोर्स्ड माइग्रेशन। सो ये यहाँ पर पॉइंट है कि रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो जो भी लोग जैसे रूरल एरिया से शहर के मतलब और माइग्रेट करते थे ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन के कारण, वो यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इनकम का सोर्स हो रहा है और वहाँ पर रोजगार प्रोवाइड हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द रिस्क मिटिगेशन बाय द प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड लाइक कॉन्फिडेंस टू द लैंडलेस एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, क्योंकि यहाँ पर रिस्क मिटिगेशन इसलिए कम हो रहा है, यानी रिस्क को मिटिगेट कर रहा है, क्योंकि क्रॉप अगर फेल होगा तो एटलीस्ट मिल्क और एग्स बेचकर तो मतलब पैसे मिलेंगे, तो ऐसे जो फार्मर जिनके पास कम लैंड रहता है या मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो ज़्यादा लैंड नहीं रहता और बहुत अधिक क्षेत्र पे खेती नहीं करते, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम ये बेचकर भी इनकम साल भर कमा सकते हैं, ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ स्टॉक इज मोर इक्विटेबल देन दैट ऑफ द लैंड, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द प्रोवाइडिंग द काउस टू द रुवांडा पार्ट ऑफ द गिरनिका प्रोग्राम। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक का, ये सही रूप से इक्विटेबल होता है लैंड के कंपेरिजन में। तो ये, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द एनिमल हस्बेंड्री, दे प्रमोट द जेंडर इक्वेलिटी बाय एम्पावरिंग द वुमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो यहाँ पर वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट मिलता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड, नेक्स्ट वन, कि दैट द इंसिडेंस ऑफ रूरल पॉवर्टी जो है इज़ लेस इन स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा वेयर लाइफ स्टॉक अकाउंट्स फॉर अ साइजेबल शेयर ऑफ एग्री इनकम। क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली वहाँ पे जो है गाय भैंस इसका पालन होता है, तो वहाँ पर अगर ऐसा देखा गया है या ऑब्जर्व किया गया है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर वो गरीब नहीं है, वो अच्छे संपन्न हैं जो रूरल एरियाज हैं लाइक पंजाब हरियाणा जो है वहाँ के। नाउ नेक्स्ट इज द कॉम्बैट्स लाइक मेल न्यूट्रिशन एंड जो भी हिडन हंगर इन द चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल इन इनकम डेवलपमेंट। नाउ जैसे कि दूध अगर बच्चा पिएगा तो उसका जो भी कुपोषण है या हिडन हंगर ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटीज़ यानी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करता है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए कंट्री का। ना कुछ चैलेंजेस हैं, हर चीज़ की अच्छाइयाँ हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस रहते हैं, तो और कुछ इश्यूज़ जो हैं वो भी रहते हैं। सो आउटब्रेक ऑफ द डिसीज़,
ठीक, तो जैसा कि इंसानों में डिसीज होता है, पौधों में होता है, उसी तरह पोल्ट्री और एनिमल्स में भी होता है। तो फ्रिक्वेंट आउटब्रेक ऑफ द फूड एंड मॉथ डिसीज और ब्लैक क्वार्टर डिसीज, ये एक बुखार जैसा होता है इन्फेक्शन, और इसके अलावा ब्रुसेलोसिस होता है, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं मैनी मोर, सो विच अफेक्ट द लाइफ स्टॉक एंड द प्रोडक्टिविटी। जैसे हम बीमार होते हैं तो हमको अफेक्ट होता है ना, वैसे उनको भी होता है, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। सो नेक्स्ट इज द इल्ड एंड प्रोडक्टिविटी इश्यूज, लाइक ऑल्दो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क एंड इल्ड ऑफ इंडियन कैटल इज ओनली अबाउट 50% ऑफ द टोटल ग्लोबल एवरेज, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट इज द कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैसेस, लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड द लाइफ स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू 14.5 ऑफ द ह्यूमिड सॉरी ह्यूमन इंड्यूस्ड जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका इमिशंस, एंड वेयर इज इंडियन लाइफ स्टॉक सेक्टर दे कंट्रीब्यूट टू 58% ऑफ द एग्रीकल्चरल इमिशन एज पर द 2012 एस्टिमेट्स। तो दिस वन इज द कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैसेज। द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, लाइक लिमिटेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस वी कैन यूज़, यहाँ पर ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है ज़्यादातर कि इसका यूज़ कर पाए, यानी लिमिटेड है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। डिफिशियंसी इन क्वालिटी जम प्लाज्म एंड लैक ऑफ द टेक्निकल मैन पावर बेसिकली। ना फंडिंग इशूज़ में द लाइफ स्टॉक सेक्टर दे रिसीव्ड ओनली 12% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सेक्टर, सो विच इज़ वेरी लेस एज पर इट्स साइज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द GDP, सो नीड टू इंक्रीज। पुअर इंश्योरेंस कवरेज, ओनली 6% ऑफ एनिमल द हेड्स आर प्रोवाइडेड विद इंश्योरेंस कवरेज। नेक्स्ट इज द मार्केट एक्सेस, लाइक मार्केट्स दे फॉर लाइफ स्टॉक एंड इट्स प्रोडक्ट दे आर अंडर डेवलप्ड एंड दे आर लाइक दे आर नॉट फॉर्मलाइज्ड एक्टिंग एज अ डिसइंसेंटिव टू द फार्मर्स या डिसइंसेंटिव टू द फार्मर्स अडॉप्ट द लाइफ स्टॉक। नाउ नेक्स्ट इज द लाइक प्रेजेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, अबाउट जो भी हाफ ऑफ द मीट प्रोडक्शन द कम्स फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड, ठीक है, जो भी आपके सेलेक्टर हाउसेस रहते हैं विच आर लीडिंग टू द पुअर प्राइस रियलाइजेशन ऑफ द फार्मर और टू द फार्मर। नाउ लाइक नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ क्वालिटी चेकिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट्स, दिस इज लीडिंग टू द पुअर क्वालिटी एक्सपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ एक्सपोर्ट बाय द अदर कंट्रीज अंडर द सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कंडीशंस में। तो दिस वन सम प्रॉब्लम एंड इशूज और चैलेंजेस जिसको हमको नीड है कि फुलफिल करें, हम इसको ठीक करें। नाउ सम मेजर्स जो अभी हैं इश्यूज उनके लिए एंड सजेशंस, सो इंश्योरिंग द फीड एंड फॉर्डर सिक्योरिटी, लाइक इट इज़ डन बाय द इनहेंस द फॉर्डर सीड प्रोडक्शन और यूजिंग द हाई यील्डिंग फॉर्डर वेराइटीज, डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्डर बैंक्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड एंड अदर कम्युनिटीज लैंड्स फॉर द फॉर्डर, ठीक, दिस वन इज द एंड नीति आयोग द रिकमेंडेशन इज दैट लाइक नेक्स्ट जो पॉइंट है, दिस इज रिकमेंडेड बाय द नीति आयोग ब्रीडिंग इंडिजिनियस कैटल विथ सम एक्जोटिक ब्रीड टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी, अगर हम ऐसा करेंगे तो जो क्वालिटी है एक्जोटिक ब्रीड की वो इंडिजिनियस ब्रीड में आएगी जो कि हमारे लिए अच्छा है। थर्ड पॉइंट इज दैट प्रमोट और डेवलप बुल मदर फार्म्स लाइक विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस द गुड क्वालिटी जेनेटिकली जो भी सुपीरियर बुल्स एंड ऑल्सो टू प्रमोट द क्रॉस ब्रीडिंग, सो दिस वन इज दैट। नाउ फोर्थ इज दैट एस्टेब्लिशिंग द विलेज लेवल प्रोक्योरमेंट सिस्टम फॉर द बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सो दिस नीड बिकॉज अगर ये नहीं रहेगा तो जो आप हम जो देख रहे थे ना इश्यूज़ की प्रॉपरली जो है नहीं रहता मार्केट, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द फार्मर्स एंड फीस ब्रीडर विद न्यू टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन, तो उनको आप इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा न्यू टेक्नोलॉजी से जिससे कि उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो पाए बिल्डअप हो पाए। नाउ नेक्स्ट इज सम जो भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग टू द प्रोवाइड बेटर क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कवरेज टू द लाइफ स्टॉक फार्मर्स, उनको जो लाइक आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग है वो भी प्रोवाइड करना है जिससे उनको बेटर क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कवरेज मिल पाए जो भी ऐसे फार्मर जो लाइफ स्टॉक लेते हैं। और नेक्स्ट वन इज द बूस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एस्टेब्लिशिंग द कोल्ड चेन्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज एज लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स दे आर ऑल्सो पेरिसेबल इन नेचर, बहुत जल्दी ख़राब होने की उनकी नेचर रहती है, तो उनके लिए स्टोरेज के लिए अच्छा है जो स्ट्रक्चर है स्टोरेज स्ट्रक्चर वो सब बनना चाहिए। नाउ लाइक पब्लिक
ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ आपको, दैट इज द पब्लिक स्पेंडिंग नीड्स टू बी इंक्रीज टू री एनर्जाइज द लाइफ स्टॉक सेक्टर, तो दिस वन इज दैट। और वेटनरी सर्विसेज में मैं आपको बता देती हूँ, ओके नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस शुड बी स्ट्रेंथेड एंड इंश्योर वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ सम डिजीज, जो कि ऊपर आपने देखा इन द लाइव स्टॉक। टेंथ, प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एनिमल, अगर रिसर्च होगा तो नए नए एग्जोटिक ब्रीड का क्रॉस होगा, डेवलपमेंट होगा, जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है एनिमल की वो इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। नाउ इंडिया, दिस शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड एज लेड डाउन बाय द कोडेक्स, ठीक है, दैट इज़ द एलिमिनेटरियस कमीशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। नाउ सम स्टेप जो टेकन बाय द गवर्नमेंट्स, तो लाइक गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड टू एनेबल द मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी इन द कंट्री, तो उन्होंने क्या मिल्क कैपेसिटी को, मतलब प्रोसेसिंग कैपेसिटी को कंट्री में इनेबल करने के लिए डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट किया। और नेक्स्ट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, जो कि आपका AHIDF बोला जाता है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसने क्या प्रपोज किया कि इसने प्रपोज किया कि जो आपका 15,000 करोड़ रुपए है टू द लीवरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल टू द फार्मर एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइवलीहुड क्रिएशन। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, NADCP, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये था कि जो भी लाइफ स्टॉक जो भी होते हैं उनमें जो डिसीज होता है, लाइक बेसिक जो मोस्ट जिससे एनिमल्स मरते हैं वो है आपका फूड एंड माउथ डिसीज एंड इसके अलावा है ब्रुसेलोसिस इन लाइफ स्टॉक बाई 2025, मतलब इसको पूरा ख़त्म कर देना है एंड इरेडिकेट दिस बाई 2030, मतलब 2025 तक कंट्रोल करने के बाद 2030 में पूरा ही ख़त्म करना है, ऐसा एक जो है एम बना है जो ये स्कीम है उसके अंतर्गत। नाउ बजट 2020-21 दे प्रपोज टू एस्टेब्लिश किसान रेल एंड किसान उड़ान टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट जो है लाइक आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है उसको भी इंक्रीज करना 70% फ्रॉम द करेंट जो है 30% है, उसको 70% मिलाना है। और आपका महात्मा गांधी जो भी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है उसके अंतर्गत मनरेगा जो होता है इसमें इसको इंक्लूड करना, जिससे कि जो भी फॉर्डर फार्म्स हैं उनको डेवलपमेंट मिल पाए। नाउ नेक्स्ट स्कीम, लाइक जो भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन होता है ये एक स्कीम है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द जो भी इंडिजीनियस यानी स्वदेशी जो ब्रीड है एंड देन टू सस्टेन द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, ये है। और इसके अलावा ई पशु हार्ट पोर्टल टू कनेक्ट द ब्रीडर्स एंड फार्मर्स रिगार्डिंग द क्वालिटी बोवाइन जम प्लाज्म, तो ब्रीडर और फार्मर कलेक्ट रहेंगे तो नई जो बोवाइन वेराइटी है उनका डेवलपमेंट हो पाएगा, तो दिस इज बाय द ई पशु हॉट पोर्टल। और ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि इतना समझाने का नहीं, इसमें आपको याद बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर से रिलेटेड है वो भी यहाँ पर आप समझ लीजिए। वाइट रेवोल्यूशन, दिस इज रिलेटेड टू मिल्क एंड डेयरी सेक्टर। ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क वाइट होता है तो समझ लेना। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर एंड इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। येलो इज़ रिलेटेड टू ऑयल सीड क्रॉप एंड ब्लू इज़ फिशरीज, पानी ब्लू है तो ऐसे याद रखना। ब्राउन लेदर एंड जो भी आपका कोका, ठीक है, तो ये। एंड ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर डेवलपमेंट से। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर एंड हनी जो प्रोडक्शन है। और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। पिंक जो है वो अनियन और आपका प्रॉन्स होते हैं जो, और फार्माक्यूटिकल से। रेड रेवोल्यूशन इज मीट एंड टोमेटो से, मीट भी रेड है टोमेटो भी रेड होता है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग पोल्ट्री एंड कॉटन से रिलेटेड होता है। तो ये कुछ रेवोल्यूशंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिए इतने सारे पॉइंट, क्या क्या बताया मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि एनिमल रेयरिंग होता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, उनके कुछ पोटेंशियल जो इंडिया में है, जो इकोनॉमी है
एनिमल रीयरिंग की कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, बेनिफिट्स क्या होते हैं फार्मर्स को और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं एनिमल रीयरिंग और उसकी इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है और इस चैलेंजेस को कैसे दूर किया जाए और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया और साथ ही कुछ रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशन है वो मैंने आपको बताया है। तो ये पॉइंट मैंने ये इस टॉपिक पूरा कवर अप कर दिया है। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर सर्च वाले कॉर्नर पे एग्री एग्जाम विद स्वाति शुक्ला के नाम से सर्च करिएगा, चैनल आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी और आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक भी